ओ उस्ताद, क्या धुएं निकल रहे हैं, भूख से मारे ऐसे धुएं निकल रहे हैं। ओए होए, जबरदस्त भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। उसामा भाई मजा ही आ गया, अभी तो खाई भी नहीं है, पहले ही मुंह में पानी आ गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं हूँ मोहम्मद तला, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी का सफ़र। एक नया बंदा आपको दिखा दूँ, क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद इब्राहिम। मुझे नहीं पता। अच्छा भाई, अपने कज़न को साथ लें। ये एक बंदा भी घर से बाहर निकल नहीं रहा, ये कह रहा है कि मैंने मटका बिरयानी खाने जाना है। अल्लाह करे मटका बिरयानी मिल जाए, देखते हैं क्या स्पेशल है, चलते हैं। अल्लाह मालिक है। कहाँ जा रहे हो सामा? वैसे गुलशन है, मेहमान जा रहे हैं। तेरे दोस्त से भी मिलना है ना? हाँ, दोस्त से भी मिलेंगे इंशाल्लाह। चलो ट्राई करते हैं। अगर आपने कोई इंसानी चीज़ नहीं देखी तो ऐसे भी बोल सकते हैं, आप ये देख सकते हैं। टोपी के नीचे जितने राज छुपे हैं वो हम दो को पता। भाई बात ये है कि हमें जल्दी थी, हजरत साहब ने जो है ना टाइम जो है पूरा करवा दिया यहाँ पर बिठा के। आ जाओ यार, आ जाओ, छत दिखाएं आपको। हाँ स्टैंड लेते हैं यार, यूट्यूब कुछ देगा तो हम भी कुछ लेंगे। चलो अल्लाह मालिक है। हाँ सेल्फ स्टिक है, वो ऐसे घुमाने में आसानी होगी। करते हैं यार कोई ना कोई जुगाड़। दुबई जा रहा ना, वहाँ से भिजवाना महंगे वाली अच्छे वाली। अच्छा भाई, तो हम आ चुके हैं ये जामे तुर रशीद से, बिल्कुल सीधा रास्ता आ रहा है, थोड़ा सा ही आगे आगे ये है मेमार पकवान सेंटर, और इनके पास जो मशहूर चीज़ है वो है मटका बिरयानी। तो खैर ऑर्डर करते हैं और आपको प्राइस भी बताएंगे और टेस्ट भी इंशाल्लाह बताएंगे। हमारे साथ एक बंदा और शामिल हो चुका है, हुज़ैफ़ा चौधरी, मोहम्मद हुज़ैफ़ा साहब। सर कैसे हैं आप? वालेकुम, कैसे हैं जनाब? सब खैरियत है, बहुत शुक्रिया आपका। किसको काट दिया? किसको? चौधरी को? नहीं, गलत बात। अच्छा जी, ये रेट आजकल, ये आप रेट भी देख लें कि कब तक ये ऑफ़र है, और इसके अलावा भी दिखा दो। बिरयानी पका रहे हैं? खाली है यार ये तो। अच्छा जी, तो इसमें मैक्सिमम कितना टाइम लगता है? मुझे नहीं यार, मेरी वीडियो नहीं बनानी ना। अच्छा नहीं बना। उस्ताद कितना टाइम लगता है यार? आई नहीं है ना, आने कहाँ दिया तुमने? उस्ताद भी नहीं बता रहा, नाराज़ खड़ा। डेढ़ घंटा लगता है? अच्छा जी, डेढ़ घंटा बोल रहा। चलो भाई, तीन घंटे वाली अफवाह जो है ना वो गलत थी। इनका सेटअप आपको दिखा दूँ, माशाल्लाह शादी वाली कुर्सियाँ लगी हुई हैं और शादी वाले स्टाइल की कुर्सियाँ लगी हुई हैं। यहाँ पर माहौल बनाया हुआ उस्ताद जी, माहौल बनाया हुआ पौधों में। हाँ हाँ, मज़ा आ जाएगा। शादी वाली कुर्सियाँ लगी हुई है लेकिन दुल्हन नहीं है। दुल्हन को छोड़, ये बता यहाँ पर मतलब माहौल बनाया हुआ ना, नहीं बनाया हुआ? बहुत अच्छा बनाया हुआ है, मटका भी आप सामने देखेंगे वीडियो में, मटका भी बड़ा होगा। वो मैंने दिखा दिया, लग रहा है कि इनका टेस्ट बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह, अल्लाह हम खैर करेगा। और आपको एक बात और भी बता दें, हमारे अपने इलाके के हैं, हमारे अपने पंजाब के, हमारे अपने गांव के हैं, और सरायकी भी है। सरायकी भी है, पंजाबी भी इसको आती है, लेकिन है सरायकी। सरायकी है, और इसका मेरे ख्याल में इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। देख के पहचान गए कि आपने जुबान का लगा। हाँ चलो जी, कोई बनाते हैं यहाँ पर सेटअप बैठने का इंशाल्लाह। हम आ चुके हैं जामे तुर रशीद में नमाज पढ़ने। भाई जामे तुर रशीद में मौजूद है माशाल्लाह। अच्छा जी, तो भाई बिरयानी आ चुकी है अल्लाह के फजलो करम से, कोई ढाई तीन घंटे पकने के बाद आई है, तो इसका जरा शशका देख ले निकलने का। ओए उस्ताद, क्या धुएं निकल रहे हैं, भूख से मारे ऐसे धुएं निकल रहे हैं। ओए जबरदस्त भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। उसामा भाई मजा ही आ गया, अभी तो खाई भी नहीं है, पहले ही मुंह में पानी आ गया। बेहतरीन। ओए चलो पानी के मारे सुभान भाई, बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू हो जाओ सारे। क्या फीलिंग आ रही है बगैर खाए? माशाल्लाह खाएंगे पता, देख ही रहे हैं बेटा, देख रहे हैं तो ठीक है, पहले टेस्ट करेंगे उसके बाद देखते हैं। अच्छा जी भाई, सबसे पहले जो है टेस्ट करते हैं इसको अच्छे तरीके से।
आप टेस्ट नहीं करो, पहले मैं टेस्ट करो, रुको रुको रुको, अबे वीडियो खराब हो रही है यार, बंदा बनो, ये पकड़ो भाई, वाइड एंगल खोलना पूरा, ये ले भाई वाइट एंगल नहीं आता है। अच्छा जी भाई ट्राई करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, फिर बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा धुआं देख लो भाई, बिस्मिल्लाह। आपने खाई, आपने ट्राई की, क्या कर रहे हो, बहुत सुस्त लोग हो यार, धुआं खत्म होने से पहले मुंह में जानी चाहिए। ये भी सही है यार। अच्छा दोबारा ट्राई करते हैं, अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, अभी खाना शुरू नहीं किया, क्योंकि जब मैं खाना शुरू करूँगा कैमरा बंद करके शुरू करूँगा इंशाल्लाह। जी भाई दूसरी हमारी देख खुल रही है, मेरा मतलब है कि दूसरा वो खुल रहा है। ओए पुलाव भाई, कौन सा पुलाव है, ये बीफ पुलाव, बीफ बीफ, ओए होए होए होए, ओए होए होए, क्या बात है, ऐसा लगता नहीं भाई, ओए होए उस्ताद क्या कसम से, एंड हो गया भाई, एंड हो गया, खाना भी है, एंड ही है भाई, बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है, थोड़ा ठंडा होने दें, फिर ट्राई करते हैं इंशाल्लाह, बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा भाई बीफ ट्राई कर रहे हैं इंशाल्लाह, देखते हैं इसकी क्या सूरत हाल है। बिस्मिल्लाह भाई, पुलाव ज्यादा अच्छा है, बिरयानी अच्छी थे, इसका टेस्ट मुझे आपको कौन सा अच्छा लग रहा है ज्यादा, पुलाव अच्छा था या मेरे ख्याल में पुलाव ज्यादा अच्छा, पुलाव आपकी नज़र में दोनों सही नहीं, एक चीज़ बताओ, बिरयानी का जायका ज़्यादा अच्छा है पुलाव का, सर उसामा साहब बिरयानी अपनी जगह पर बहुत अच्छी है, नहीं सुफियान भाई माशाल्लाह ये भी अपनी जगह अच्छा है, बिरयानी अपनी जगह अच्छी थी, मतलब खाने पे माशाल्लाह मेहरबानी आपकी, आप कुछ बोलेंगे, ये भी खाने में असल में कुछ लोग जो है ना वो ऐसे समझेंगे, उनको मैं कुछ बोल नहीं सकता, ब्लॉग बन रहा है। अच्छा जी उसामा कैसा रहा आज का, बेहतरीन था, और सफ़र भी आउटिंग हो गई और खाना भी काफ़ी बेहतरीन था, बिरयानी भी और पुलाव भी बहुत अच्छा था। आपको कैसा लगा माशाल्लाह, फिर ब्लॉगिंग बना यार, अल्लाह के बंदे 10 रुपये तो रख लिया करो, सही बिरयानी से ज़्यादा मतलब 10 रुपये ज़्यादा मज़ा पुलाव में था, अच्छा 20 दे दो, बिरयानी भी अच्छी थी, पुलाव ज़्यादा अच्छा था। आप बताएं सर, सही था वो 10 रुपये का मसला था, वो सामान से लेने थे, वो पहले दे दिए मैंने, आप पैसे मांग रहे हो, बिरयानी का पूछ रहा हूँ, बिरयानी अच्छी थी, बेहतरीन थी बिरयानी, अच्छी थी पुलाव, दोनों चीज़ें अच्छी थी, पुलाव ज़्यादा अच्छा था। अच्छा अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज का हमारा ये बेहतरीन एक प्रोग्राम छोटा सा हमने बनाया था खाने पीने के हवाले से, और ये एक जगह का हमने नाम सुना कुछ टाइम पहले, ये मशहूर हुई है, और ये बहुत आसान रास्ता है, आप जो है जामतुर रशीद ईज़िली जो है ना, हर बच्चे को पता कराची के भाई किस जगह पे मौजूद है, थोड़ा सा आप उससे आगे आएंगे और यहाँ पर ये आपको शॉप मिल जाएगी इंशाल्लाह, और इनका निज़ाम भी अच्छा है, और वेटर वगैरह भी सब अच्छे हैं, इखलाक भी इनका सही है, सर्विस भी अच्छी है, तो उम्मीद है कि आज का आपको हमारा ब्लॉग पसंद आएगा। जिनकी जो दुकान है वो माशाल्लाह खुद आलिम-ए-दीन है, बेहतरीन इंसान है, पीछे ये गाँव के हैं, कस्बा मड़ल के हैं और सरेकी जी, हाँ ये हमारे ही गाँव के हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, तो हमें याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अल्लाह हाफिज़।